बिलासपुर मार्ग के दाएं तरफ एक बहुत बड़ी बस्ती है जो करैया पारा नाम से प्रसिद्ध है। इस बस्ती का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। इस बस्ती में जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे छोटा मोटा कोई गांव हो या बस्ती को दो वार्डों में बांटा हुआ हो। तथा इस मोहल्ले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सैकड़ों मुस्लिम परिवार बसे हुए हैं, इसके साथ हिंदू परिवार भी बसे हुए हैं और ये मोहल्ला कौमी एकता की एक मिसाल है। यहाँ आज तक दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ है और इनके बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा व सौहार्द देखने को मिलता है। करैया पारा की इस बस्ती में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे कि यहाँ स्थित रत्नेश्वर मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि राजा रत्नदेव की रानी कश्मीर की थी, जो कश्मीर से विवाह के पश्चात विदाई के समय अपनी जन्मभूमि से एक मुट्ठी रेत लेकर आई थी, जो अपने तपोबल से उसे शिवलिंग में परिवर्तन कर दिया, जो आज भी रत्नेश्वर महादेव के नाम से उसे जाना जाता है और मंदिर निर्माण भी करवाया जा चुका है। इसी मंदिर से लगा हुआ रत्नेश्वर तालाब भी है तथा इसके ठीक सामने वेद तालाब है। कहा जाता है कि राजा प्रथम देव तथा रानी वेदवती के नाम से ही ये दोनों तालाब का नाम वेद रत्नेश्वर पड़ा है। ये दोनों तालाब तथा ये मंदिर अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। इसी तालाब में लगा हुआ काफी पुराना एक कबीर आश्रम भी है। तालाब के किनारे कबीर आश्रम लगभग 400 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि तथा इससे कबीरपंथी प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये आश्रम सुदर्शन नाम साहब द्वारा स्थापित किया गया था तथा इसके ठीक सामने उनकी भव्य समाधि है, जहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को कबीर पंथ का विशेष मेला लगता है। सत्संग व सत समासंग आदि की विशेष आयोजन रहता है। कुछ नहीं रहे यहाँ, एक कुटिया रहे और वो साधु गुरु है ना, यहाँ के पुजारी महंत अपन बना रहीन है, पूजा करत गईन है। ऐसे करते करत अब सोजे भी जान डरिन के कबीर पंथ के वाणी कैसना है, का विचार है, का मन से तत्व है। एला जौन अब दूसरा कोई डिगर आदमी जान जान के पूछ पूछ के बहुत महात्म आ गए। हमें कबीर साहेब के चरण में बहुत लोग आ गए। बहुत ही एकता का मिसाल है, सब जन एक दूसरे मिलजुल के रहते। वहाँ पर हर त्योहार हर कार्यक्रम सब मिलजुल के मनाथन और सब चीज दुर्गा पूजा, ताजिया त्योहार, गुटका पूजन, मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब मिलजुल के त्योहार में सब मिलजुल के मनाथन। कोई भी आयोजन कोई भी त्योहार बिना एक दूसरे के नहीं हो। अगर वहाँ एकता देखना है, कार्यक्रम देखना है, एक बार जरूर करिया पा रहा है। सांस्कृतिक सामाजिक बहुत अच्छा है, एक दूसरे में मिलजुल के। ताहिर अली की रिपोर्ट, रतनपुर जशपुर से।